नमस्कार, मोर नाम सोमा चक्रवर्ती। मैं सी सी हेड अफिशर पर आज मैं तुम लोगों किसान नतुन नतुन मैं टपिक आनीसो आहसुन मोर साओ ये टपिकबूर। तो आज हम लोग करेंगे कि कैसे डिस्क मैनेजमेंट करना है। तो अभी डिस्क मैनेजमेंट हो है क्या, अभी देखिए यहाँ पे मेरा कुछ ड्राइव है, तो यहाँ से थोड़ा सा जगह मेरा खाली है, तो यहाँ से मैं कुछ एक जगह लेके, कुछ एक स्पेस लेके मैं और एक ड्राइव बना सकती हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं डी ड्राइव से मैं ले नहीं सकती बिकॉज़ यहाँ पे मेरा जगह नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे एक ड्राइव हम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए हैं हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैं लोड किया है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन मुझे अगर फिर से एक ड्राइव चाहिए तो आप फिर से तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं कर सकते हो ना। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं वो दिखाएंगे, ठीक है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको किधर जाना है, डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज में जाइएगा तो फिर डिस्क मैनेजमेंट खोल के आएगा। अभी देखिए डिस्क मैनेजमेंट में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मुझे ई ड्राइव से, ड्राइव में कुछ जगह खाली था तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, श्रिंक वॉल्यूम करूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज़, मतलब हो जाएगा, उतना भी टाइम नहीं लगेगा बट हो जाएगा ये। हाँ आ गया, देखिए। तो यहाँ पे देखिए एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। तो मुझे इतना नहीं चाहिए, तो आप अगर चाहते हो जो अमाउंट आया वो भी रख सकते हो, अदरवाइज आपके हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो। तो मुझे 2 GB चाहिए, ठीक है। तो ये लगभग 19.4 और 19.5 ऐसा ही आएगा। तो श्रिंक कर देती हूँ मैं। तो देखिए ये आ गया है, लेकिन मैं अगर, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि अभी हो गया फिनिश, सो नहीं, ये नहीं हुआ। मैं अगर मिनिमाइज़ करके यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए कुछ भी ड्राइव यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पे देखिए, अभी मुझे ये इसमें क्या नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे बॉर्डर पे ये जो है यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, ये न्यू सिंपल वॉल्यूम आएगा। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट जो नाम है वही रहने दीजिए। नेक्स्ट करना है NTFS फाइल वो होगा, तो अगर बैक करके देख सकते हैं फॉर्मेट फाइल सिस्टम NTFS होगा हम लोगों का। तो नेक्स्ट कीजिएगा फिनिश। सो ये आ गया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए और एक आ गया ऑटोमेटिकली। सो देखिए ये तो आ गया, यहाँ से 20 GB ऑलमोस्ट चला गया है ना। सो अगर मेरे को अभी इसको फिर से रिटर्न करना है, ठीक है, फिर से इसको 20 GB दे देना है, तो कैसे मैं दूंगी। तो फिर से आपको कहाँ जाना है, ऑब्वियसली डिस्क मैनेजमेंट में, कंप्यूटर में राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर से आ गया, तो ये जो वॉल्यूम है ये क्रिएट हुआ था हम लोगों का, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करके पहले तो डिलीट वॉल्यूम करूँगी, यहाँ पे यस आएगा तो यस, यस और नो आएगा तो यस करना है आप लोगों को। देन जहाँ से आपने 20 GB लिया है वहाँ उस ड्राइव में आपको जाना होगा, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके एक्सटेंड वॉल्यूम करना है आप लोगों को, फिनिश। तो ऐसे करके डिस्क मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग भी करके देखिए ये चीज़, ठीक है। सो थैंक यू।